हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन की है। क्या ऐसा पॉसिबल है पाइथन में कि एक साथ जैसे आप एक्सेल में रैंड बिटवीन लगाते हैं और उसके बीच के सारे नंबर जनरेट हो जाते हैं, तो बीच के सारे नंबर एक बार में लेके आ सकते हैं या नहीं। बात करें रैंडम की, तो रैंडम जो फंक्शन है उसको मैंने आपको बताया है पाइथन में, लेकिन एक साथ उसके बीच के बहुत सारे नंबर क्या जनरेट किए जा सकते हैं, अगर किए जा सकते हैं तो कैसे किए जा सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। सवाल यही है, तो चलिए यहां से नई फाइल हम ले लेते हैं, ठीक है। और बात किसकी हो रही है, रैंडम। तो यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम और फिर लिखना है आपको रैंडम, तो रैंडम से ही आएगा, तो ये लिख दिया रैंडम। अब यहां पर इंपोर्ट करवा रहे हैं इसको, तो ये लिखा इंपोर्ट, आपको लिखना है इंपोर्ट, तो यहां पर सिंपली लिख दीजिएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद क्या करना है, यहां पर चॉइस लगाइएगा और चॉइस लगाने के बाद एंटर करके नीचे आ जाइएगा। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर कुछ बना लीजिएगा, लाइक मैंने न्यू बना दिया, ओल्ड बना लीजिएगा, कुछ भी बना सकते हैं, चलिए ओल्ड कर देते हैं। तो ये कर दिया ओल्ड इज इक्वल टू, और यहां पर लिस्ट की बात करेंगे तो लिस्ट हम जनरेट कराएंगे, तो ये रैंडम हो जाएगा, रैंडम, ठीक है। तो जो भी होगा ये रैंडमली आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, रेंज लगा देता हूं, रेंज, ठीक है। तो ये लगा दिया रेंज, और रेंज लगाने के बाद क्या करना है, यहां पर आपको दो नंबर चूज करने होंगे। जैसे मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूं 2, 27, तो ये 2 और 27, ध्यान दीजिएगा यहां पे 2 और 27 दिया गया, इसका मतलब ये है कि इसी के बीच के ये सारी नंबर जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये 2, 27 दे दिया, एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर लगाना है लूप, तो एक लूप लगा लेते हैं फॉर लूप, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और वेरिएबल आई इन रेंज, तो यहां पे रेंज डेटा टाइप का भी यूज कर रहा हूं, और यहां पर मैं कर देता हूं लाइक 10 कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 10 करने के बाद यहां पे लगाना है कोलन, जैसा कि हम आमतौर पर यूज करते हैं, और यहां पर लगा दीजिए फिर प्रिंट, प्रिंट लगाइएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो अब यहां पर क्या करना है आपको, सिंपल वे में प्रिंट करवा देना है। तो हम यहां पे चॉइस लिखते हैं, चॉइस, ठीक है, CHOICE, चॉइस लिख दिया हमने, और चॉइस लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां पर नाम दे देंगे, जैसे मैंने ओल्ड दिया था, अगर आप जो भी नाम दिए हो वही नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे, बारी है इसको रन करवाने की, तो यहां से रन करवाएंगे, रन करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको कोई नाम दे देता हूं, RA.py, ठीक है। तो ये नाम दे दिया और इसको अब सेव भी कर लिया हमने। जैसे ही सेव किया तो यहां पर आप देख सकते हैं रैंडमली बहुत सारे नंबर जनरेट होके आ रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम जो था वो क्या था, ये देख सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है 2 से 27 के बीच में, तो ये 2 से 27 के बीच में है या नहीं, ठीक है, है ना। चलिए एक बार और इसी प्रोग्राम को चलाते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर देख सकते हैं ये नंबर चेंज है, और ये 2 से 27 के बीच में ही आ रहा है, ये देखिए 26 तक आ रहा है लेकिन 27 नहीं आ रहा। एक बार फिर इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर रन करवाया तो यहां देखिए, यहां फिर 26 आ रहा है, 27 नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।